नमस्कार, कैसे हैं आप? अनीता देसी स्टाइल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं बना रही हूँ आज केले का नाश्ता। मेरे चैनल पर आप नए हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने पके हुए केले लिए हैं, बिल्कुल अच्छे तरह से पके हुए हैं। चार केले लिए हैं, एक कटोरी मैंने आटा लिया है। आप यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं, जो आपके अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। ये मैंने चीनी का पाउडर बना लिया है, ये आप कम मीठा भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आइए बनाने की तैयारी करते हैं। केले हमने अभी बिल्कुल अच्छे तरह से साफ कर लिए हैं, अब हम इनको मिक्स कर रहे हैं, एक डाल रहे हैं उसमें पाउडर में। पेस्ट को ऐसे बिल्कुल मिक्स कर लिया है। अब इसमें गुठली भी नहीं होनी चाहिए, और ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। और अब हम इसमें करेले मैंने मिक्सी में कर लिए थे, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे तरह से चलाएंगे। इसके बाद मीठा सोडा डाल दें, अच्छी तरह से चला के। अब इनको हम 2 से 5 मिनट ढक के रख देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। अब हमारा ये घोल तैयार हो चुका है। आइए अब गैस जलाते हैं। और कढ़ाई रख दिया मैंने, इसमें डाल दिया मैंने रिफाइंड। आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने रिफाइंड को कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसको गर्म होने देंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ऐसे अब हम इनको चलाएंगे। देख सकते हैं आप कैसे फूल रहे हैं। अब इनको हम पलट देंगे। अब धीरे धीरे इनको हम सेकते रहेंगे। यहाँ पर हमने प्लेट लिए है, और प्लेट में हम निकालेंगे। अब हमारे ये पक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं।
ऐसे हम एक एक को निकालेंगे। प्लेट में हम निकालेंगे। ऐसे हम निकाल के रख देंगे, फिर बनाएंगे। चम्मच से ऐसे हम डाल देंगे। उनको पलट देंगे धीरे धीरे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ऐसे किनारे पर लगाएंगे ताकि इनका सब तेल रिफाइंड निकल जाए। फिर उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे निकाल लेंगे।